काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली वो दिन आ गया है जिस वक्त मैं जा रही हूँ जहाज में बाहर, मतलब बाहर कहाँ जा रही हूँ वो आप लोग ब्लॉग में पता चल जाएगा। बहुत लेट हो चुका है, हमारी फ्लाइट है 9:50 की, मतलब 10 बजे की लगा लो, तो हमें ऑब्वियसली यू नो पहुंचना है। ट्रैफिक, आपको पता है कराची का ट्रैफिक कितना खतरनाक होता है, तो उससे पहले पहले हमें पहुंचना है। सो चलें चलते हैं, फिर आगे जो जो होगा आप लोग को दिखाते रहेंगे। सो लेट्स गो। पहुँच चुके हैं, मैंने तो मास्क लगा लिया, लेकिन मेरी अम्मा को समझ नहीं आ रहा है कि वो मास्क लगाएं नहीं लगाएं। कह रही है कि अब मास्क वास्क वाला सिस्टम जो है वो ऑफ हो चुका है। हालांकि मम्मा को बोल भी रही हूँ कि नहीं मम्मा, कोविड फिर से आ रहा है, मास्क लगाना है, लेकिन अम्मा सुन ही नहीं रही। हमारे तो सर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, हमें फिर भी पहनना पड़ेगा। हमारा सारा सामान, भैया का शॉर्ट ब्लॉग बन रहा है नए फ़ोन के भरम। कौन सा फ़ोन है ये? 13 प्रो मैक्स। थैंक यू बोलो बेटा। किसके? मुझे। बाबा नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, बाबा हमें छोड़ने आए थे, बस मम्मा भाई और मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, हमारे बोर्डिंग पास हमें मिल चुके हैं, और मम्मा यूनाइटेड से हमारी क्रिंकल, मैं हमेशा यूनाइटेड की, मुझे क्रिंकल वाली चिप्स पसंद है, आप लोगों ने पहले व्लॉग्स में देखा होगा, मैं हमेशा ये लेती हूँ, तो आज मैं ये लूँगी। वो स्पाइसी वाली उठा दें। मम्मा मुझसे पूछते हुए कि तुम्हें कोई मिठाई खानी है, मैंने बोला नहीं मिठाई तो नहीं खानी, सोन अपनी शादी की मिठाई खाऊंगी। मैंने सोचा कि रवि का कहती बाबा आते तो मुझे हमेशा से मिठाई दिलाते, मैंने कहा आज मैं भी पूछ ही लूं। ओहो, कि कल को सुनने को ना मिले कि मम्मा नहीं पूछती बाबा पूछते। हाँ, इसलिए बाबा दिला दो, मैंने कहा आज मैं बाबा मम्मा का दोनों का काम कर दूं। चले अच्छा, और ये भाई साहब पूछा मुझसे था कि मिठाई खानी है, ये आ गए बीच में कि मुझे खानी है। कौन सी? गुलाब जामुन। मिठाई हमने ले ली है, मिठाई भी ले ली, चिप्स भी ले ली। वाओ, मतलब प्लेन में खाना खाना कैंसिल, इसी से पेट भरेंगे आप लोग। रबीका ने लिए, अल्लाह माफ करे, या अल्लाह कुछ भी हो जाए, मतलब वो रबीका ने ही लिया है, रबीका ने ही किया है, ये ज्यादती करते हैं मेरे साथ सब। मम्मा मिठाई नहीं खानी, मैं जो नॉर्मली समझता हूँ, आई डोंट लाइक मिठाई टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे वो गुलाब जामुन होती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और वो चमचम, हाँ चमचम मतलब फिर भी अच्छी लग जाती है, बट मुझे वो पसंद है, वो जो मम्मा वो कौन सी थी, बालों वाली मिठाई, बालों वाली, बतीसा, एग्जैक्टली बतीसा मुझे पसंद है। और मुझे रसगुल्ले पसंद है, रसगुल्ले मुझे पता है क्यों पसंद है, रसगुल्ले मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में देखा था, वो बबीता जी छेटा डाल के रसगुल्ले बना के लाती, उसके अंदर इतना शीरा होता था, वो ऐसे यू नो ऐसे शीरा निकाल के खाता था, तो इसलिए मुझे रसगुल्ले का शौक चढ़ गया वरना नहीं। और मैंने अंकल से भी पूछा कि अंकल रसगुल्ला ऐसे टपकेगा ना, मतलब शीरा टपकेगा ना, उन्होंने बोला नहीं बेटा। और मैं मम्मा ने लिए एक बेसन का लड्डू, और खुराने लिया एक गुलाब जामुन। तो मिठाई खा खा के मिठाई बन के जाएंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से हम मोटे हो के आएंगे, अल्लाह करे कि मैं मोटी ना हो, बाकी सब मोटे हो जाएं। गेट नंबर 15 पर हम आ चुके हैं, और अब हम यहाँ वेट करेंगे, और हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग है 10 बजे, मतलब पहले 9 बजे थी लेकिन अब 10 बजे की हो गई है, अब इतना सारा वेट करना पड़ेगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:45 हो रहे हैं अभी, और अभी हमें आई थिंक एक घंटा और वेट करना है ना, एक घंटा तकरीबन हमें वेट करना मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब हाँ कोई मेरे साथ हो तो मैं उसके साथ ज़िंदगी भर वेट कर लूँ, लेकिन अभी मुझे अकेले वेट करना बहुत बुरा लगता है। फाइनली अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है, थैंक गॉड, वरना तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि 11 बजे फ्लाइट हो। यहाँ पे भैया और मम्मा की पार्टी चल रही है, पिज्ज़ा पार्टी, मुझसे पूछा था कि नहीं भैया बस कर दो, प्लेन में भी खाना है, क्या खाओगे फिर प्लेन में? जब प्लेन में खाना बंद था ना, इतना ज़्यादा रोना आता था यार, क्यों बंद है, काश खुला हुआ था, लेकिन अब खुल गया है तब दिल नहीं चाहता खाने का। नहीं नहीं मैं मजाक करता हूँ, नहीं 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 बहुत जम। यार द मिठाई, और ये मैंने दी थी भाषानी, भाषानी में क्या नाम है, भालू शायद, बहुत मज़े किया लेकिन बस खा लिया।
मेरे अम्मा खत्म करें, जो जो सबने लिए वो सबको खत्म करें। अम्मा इतना सारा मीठा नहीं खा सकती मैं, आई कांट। कुछ नहीं होता, ये मैंने ये लिया बेसन का लड्डू। मम्मा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वाकई में फर्क पड़ता है, अगर मैं मोटी हो गई ना बैड सीन हो जाएगा भाई। सबको देख रहे हैं जो यहाँ से ही ना चल रहा होता है ना, तो वो या तो पिक्चर बना रहा होता है या तो स्नैप्स बना रहा होता है, मतलब हर किसी का ही यही है। मुझे भी शौक है, मैं भी बनाती हूँ, अगर सुबह आ रही होती ना तो मैं ज़रूर अपनी पिक्चर बनाती हूँ, लेकिन अभी रात में तो पिक्चर इतनी मस्त आएगी नहीं। पिक्चर्स लेने का डिसीजन जो है वो कैंसिल, यानी क्यों इतना ट्रैफिक है भाई कराची में, ऑलरेडी बाहर इतना ट्रैफिक होता है, यहाँ पे लोगों का ट्रैफिक। अपनी बेल्ट अपने आपको बांधना। तीन दफ़ा आए थे कुर्सी पड़े और एक दफ़ा सफ़र की दुआ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप साथ खैरियत से पहुंच जाएंगे। दुआ पढ़ना बहुत ज़रूरी है सफ़र की। So guys, finally हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आए हैं हम, किस सिलसिले में आए हैं वो आप लोग आगे व्लॉग्स में अपडेट मिलती रहेगी। सो इंतज़ार करना है आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग का। बाकी प्लेन में भाई आज सीन बड़ा ऑफ हो गया था कि खाने के बाद जो मेरी हालत थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, एकदम से घबराहट सी होने लग गई और अजीब सी, मतलब वॉमिट जैसा है। वो तो शुक्र करें के बाद सुपारी थी तो करें ने मुझे दे दी, बाकी आपकी बहन ने लेंस भी निकाल दिए हैं, मैं लेंस में गए भी अच्छी नहीं। खैर हम लोग पहुँच चुके हैं, अब जाएंगे होटल की तरफ, सुकून लेंगे आराम फरमाएंगे। माँ लेके आ गई हैं ट्रॉली और हमारे बैग्स भी एक दफ़ा जाके दोबारा से आ रहे हैं। सब वो रहे हमारे बैग, एक वो रहा, एक ये रहा, दूसरा भी आ रहा है। जा रहे हैं सर्दी में गाइस, आई थॉट कि यहाँ पे सर्दी नहीं होगी लेकिन है, ऑफ कोर्स सर्दी इस्लामाबाद में नहीं होगी तो कहाँ होगी गाइस। खैर बड़े मज़े का मौसम लग रहा है ना, अभी बाहर जाएंगे ना, अभी बाहर बस इनको अपनी वीडियोस की लगी हुई है। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं दिल नहीं चाह रहा, मैंने कहा अभी व्लॉग ही बनाते हैं, वीडियो शीडियो देख लेंगे बाद में। हमारा सर्दी लग रही है हाँ, अभी आगे जाके और लगेगी। ओके सो हम कार के इंतज़ार में हैं, गाड़ी आ चुकी है, हमारा बैठ भी चुकी है और मेरी पिक्चर्स ख़त्म नहीं हो रही थी, मतलब फैंस आए थे मेरे। हाँ सुकून, ऐसे सर्दी हो रही थी, हाल बिल्कुल बर्फ हो रही है, बर्फ। So guys, we are done with the food. अब बहुत ज्यादा थकन हो गई, अब बस सोने की तैयारी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब व्लॉग में जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आएगा। सो बी रेडी, स्टे ट्यून्ड। इस व्लॉग को जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार बिसाइए, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।